नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। माइनिंग माफिया की बात करें तो माइनिंग माफिया इस वक्त लगातार जम्मू में बढ़ता जा रहा है, और ये कहें कि आसमान को इस वक्त माइनिंग माफिया छू रहा है। इस वक्त ठीक हम जम्मू के सैनिक कॉलोनी एरिया में मौजूद है, और यहाँ पर मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं ये सुजवा के चाटा एरिया के लोग हैं जो यहाँ पर पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी में यहाँ पर रिपोर्ट करवाने के लिए पहुंचे हैं। इनसे पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और क्या कुछ मजबूरियां पड़ी कि इन्हें इस वक्त जो है वो यहाँ पर थाने में आना पड़ा, यानी कि पुलिस पोस्ट में आकर अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाना पड़ा। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या मेरा नाम? मोहम्मद ईशान है, मैं चाटे का रहने वाला हूँ। जो ये मुनीर मलिक है, मुनीर अहमद है सर, इसका ये काम है, चिट्टा ये सप्लाई करता है, बकरियां इसने कोई नहीं छोड़ी, भेड़ इसने कोई नहीं छोड़े, जानवर इसने कोई नहीं छोड़ा चाटे में। इसका ये काम है रात को दिन में चोरी करनी और चिट्टा सप्लाई करना। जो रोबिन चौधरी है उसके ऊपर खैर जो पेड़ होते हैं उसका पर्चा भी लगा हुआ, अभी तक पुलिस ने उसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, कार्रवाई कोई नहीं हुई इसके ऊपर सर। इसका ये काम है, इसने जो गाड़ियां हैं लोगों की, गरीब बंदे हैं उनकी गाड़ियां पटकवाना, इसका यही काम है। बोलता है मैं मीडिया वाला हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मीडिया के नाम पे ये पैसे कमाता है, बोलता है कि हमें बोल रहा था कि आपकी वीडियो डिलीट करा देंगे, हम आपको लाख रुपए हमें दो। सर हम कहाँ से लाख रुपए, गरीब बंदा कहाँ से इसको लाख रुपए देगा? पहले रोबिन चौधरी और जो है ना ये रोबिन चौधरी बोल रहा लाख रुपए, एक लाख रुपए मुझे दो, मैं बात खत्म कर दूंगा। और जो मुनीर अहमद है, दोनों बोल रहे हैं, ये दोनों कौन से चैनल में काम करते हैं सर? ये के ड्यूटी अपडेट में काम करते हैं। ये दोनों बोल रहे हैं कि हमें पैसे दो, इनका ये काम है। इन्होंने जो रोबिन चौधरी है ये रहता है खड़ा में, इसका ये काम है, उधर की कोई गाड़ी इसने छोड़ी नहीं, सबसे पैसे लेता है, लोग डर के मारे गाड़ियां चलाना भी छोड़ दिए। इसे हर बंदे से बोलता है मुझे लाख रुपए दो, दो लाख रुपए दो, आपकी वीडियो डिलीट, पहले वीडियो बनाता है फिर बाद में वीडियो डिलीट कर देता है, बोलता है मुझे लाख रुपए दो। बिल्कुल, क्या सबूत है आपके पास ये जिस तरह ने चोरी करके ले रहा है? सर इसने जो ये हमारे पास फोटो है, जो चीज चोरी करके दोनों जा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, जो इन्होंने चोरी करके जो बेड़ चोरी करके ये जा रहे हैं, रोबिन चौधरी और मुनीर अहमद, इनका ये काम है चोरी करना, चिट्टे का काम करना। क्या लगता है कि मीडिया का नाम लेकर ये लोग जो है आप लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? बोलते हैं सर आपको नहीं छोड़ेंगे, सर हम मार देंगे, हमारे पास चैलेंज है, हम पूरे मोहल्ला इनसे तंग है, एक बंदा तंग नहीं है, हम तंग नहीं है, पूरा मोहल्ला जी देख रहे हैं, सारे अलग अलग मोहल्ले से आए हैं, पूरा जम्मू पूरा इलाका, बरवीनी सराड़ी चाटा सुजमा पूरा इलाका इनसे तंग है। ये पैसे लेते हैं सर, पैसे लेके ये काम करते हैं, बोलते हैं हमारा चैनल वीडियो डिलीट करेंगे, आपसे लाख रुपए लेंगे, बड़े बंदों से सर इन्होंने लाख लाख रुपए, दो दो लाख रुपए लिया है। बिल्कुल, जो मुनीर अहमद है दोनों चिट्टे का काम करते हैं। अभी आपने पुलिस को जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या लिखा है, क्या अपील आपने पुलिस से की है? नहीं, यही रिपोर्ट की है कि जो पुलिस हमारा ये हमें धमकियां दे रहे हैं, हम धमकियों के लिए पुलिस के पास आए हैं कि हमारी एफआईआर लिखे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है वो लोग मीडिया के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको सावधान होने की जरूरत है, और एसएसपी जम्मू से हम यही अपील करेंगे, पुरजोर अपील रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो और पता लगाया जाए कि वाकई में ये लोग मीडिया से ताल्लुक रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, या फिर इस तरह से लोगों को लगातार जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? मामले के लिए सर ये मुनीर चौधरी तो ये हुआ, दूसरा जो चैनल वाला है रोबिन चौधरी, इन्होंने लोगों के ऊपर इतनी दहशत डाली हुई है ना मीडिया के थ्रू, इतनी दहशत डाली हुई है ना, बंदा उधर रहना हमारा उधर मुश्किल हो गया, उधर गाँव वालों का लोगों का रहना मुश्किल हो गया, उधर कोई माफिया यही माफिया का काम करते हैं, बाकी कोई माफिया का काम नहीं करता। ये इसके पास तीन चार ट्रैक्टर हैं, एक टिपरी है, और इनके पास आई कहाँ से इतनी टिपरी, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हर बंदे को हरासमेंट करते हैं, चाटा इनसे तंग है, चौधरी तंग है, बरमीनी सराड़ी सुनुआ ये तंग है, इनसे तंग है, खड़ा के लोग बेचारे जो गरीब लोग हैं वो तंग हैं, ये हर बंदे को डराते हैं, पुलिस वालों को डराते हैं, खुद पुलिस डरती है इनसे जी, हमारे को मीडिया से उछाड़ देंगे जी, खुद पुलिस डरती है इनसे। और हमारा चाटा चौकी का अफसर अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे हैं, हम उनसे अब उनका पास नहीं है, हमारी इधर सैनिक कॉलोनी में देने आए हैं रिपोर्ट, हम चाहते हैं मैं साहब इनके पास इनके साथ इंक्वायरी हमारी इंक्वायरी, मैं एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे रह के गए हैं इधर सुनो एरिया में रह के गए हैं, इनकी छानबीन होनी चाहिए,
ये देखो ये इनके पास पैसे कहाँ से आए और ये काम क्या करते हैं, ये लोगों को कैसे धमकाते हैं। ये जितने भी लोग हुए हैं देखो आप खुद देखो कितने लोग हैं, ये सारे लोग सियाने आए हुए हैं। ये लोग जो हमारी इतनी उम्र हो गई है हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं। आज तक देख लो हमारी 60 साल उम्र होने वाली है, 59 साल हमको लग रहा है। अब हम आप देखो मैं मुलाजिम आदमी हूँ और इन्होंने खुद मेरे को बोल देते सुबह 1,00,000 रुपया दो। मैं आपको बिलीव 1,00,000 रुपया आपसे कौन मांगते हैं? मनीर चौधरी और जो चैनल वाला रवन चौधरी, ये दोनों। मुनीर क्या काम करता है? मुनीर यही काम करता है सर, टिप्पणी चलाता है, यही माफिया का काम ही, यही रेलते का काम ही करता है, और कोई करना है ये चोरी भी करता है बस, ये बकरियों भेड़ बकरियां बस। तो देख सकते हैं कि जम्मू में किस तरह से लोगों को जो है वो यहाँ पर सुजमा के चाटा एरिया के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जिन्होंने ये कहा है कि कुछ एक जो है वो मीडिया वाला जो है वो अपने आप को ये बताता है कि मैं मीडिया का बंदा हूँ, लेकिन ना जाने वो मीडिया का है या नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही शायद मीडिया में जो काफी ज्यादा लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनकी इमेज पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है? सर मेरा नाम शमीर अहमद है। सर ये जो मनीर है, मनीर का सर काम ही ये है, ये क्या करता है सिर्फ बंदे को ब्लैकमेल करता है और मीडिया का इसने जो कार्ड डाला है सर, इसकी पहले छानबीन होनी चाहिए कि ये मीडिया वाला है भी है कि नहीं है। ये सिर्फ यही करता है जब हम गाड़ियां लेके जाते हैं, इसके पास अपनी गाड़ियां हैं, 3 ट्रैक्टर हैं इसके, 1 टिप्परी है सर, इसको भी पहले देखा जाए। मीडिया वाला बेशक अगर हम अगर चोर हैं तो ये चोर नहीं है, ये मीडिया वाला, अगर ये मीडिया वाला कार्ड दिखाता है कि मैं मीडिया वाला हूँ तो मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता। सर हमारे पास कारोबार ही यही है, ट्रैक्टर है हमारे पास और हम तो हमारे पास कारोबार ही कोई नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास कारोबार ही यही है। और मनीर क्या करता है, हमारी वीडियो चढ़ाता है नेट पे, फिर बोलता है कि मुझे 1,00,000 रुपया दो तो मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, ऐसे काम करता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह के हैरानगी की बात है। फिलहाल लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और सैनिक कॉलोनी पुलिस पोस्ट के बाहर इस वक्त ये लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और इनका ये कहना है कि एक शख्स जिसका नाम रोबिन चौधरी है और उसके साथ साथ एक मुनीर चौधरी है, रोबिन चौधरी जो है वो रिपोर्टर अपने आप को बताता है और दूसरा जो मुनीर चौधरी है वो अपने आप को कैमरामैन बताता है एक मीडिया का, और ये दोनों जो है वो मिलकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हरासमेंट करते हैं, जिन्होंने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और लोगों को मजबूरन तौर पर अब जो है वो पुलिस पोस्ट सुजमा, माफ कीजिएगा, पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी में आकर यहां पर रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाना पड़ रही है। एसएसपी जम्मू से एक बार फिर से परजोर अपील रहेगी कि मामले की निष्पक्ष तहकीकात हो और ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन की जाए क्या वाक्य में ये लोग मीडिया से ताल्लुक रखते भी है नहीं रखते हैं, या फिर इस तरह से जो है वो लोगों को ऐसे जो है वो हरासमेंट कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए, तो मामले की जांच हो और गलत पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मीडिया में जो काफी देर से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी इमेज उनकी है, उनकी इमेज पर जो है वो असर ना पड़ सके। जो इस तरह से लोग एक कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती, जर्नलिज्म का नॉलेज नहीं है, लेकिन इस तरह से जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। ये वो शख्स है जो हम आपको तस्वीरों में बता रहे हैं, ये वो शख्स है जो कि एक वीडियो में आपको देख रहा होगा, ये शख्स है जिस पर ये लोग जो है वो यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये शख्स लोगों को ब्लैकमेल करता है, और अब ये अपील की जा रही है पुलिस से वो जल्द से जल्द इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि लोगों को आने वाले वक्त में कोई भी किस तरह की हरासमेंट जो है वो हरास जो है वो ना होना पड़े। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।